उस महफिल में जिसे सुन के जिस महफिल में शरीक हो के, आप सारे लोग कहते हैं बहुत खूब जिंदगी बड़ी खूब होती है कई बार जब आदमी खूब करने की कोशिश करता है तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है मुझे याद आता है एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था आप देखते हैं कई बार सड़क के किनारे काफी अच्छी पेंटिंग दिखा करती है आजकल कर सड़क के किनारे वैसे क्या क्या नहीं बिका करता खैर मेरा कोई खास मतलब नहीं है लेकिन जो पेंटिंग्स बिका करती हैं है कई बार अच्छा दृश्य होता है तो एक 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 साहब साहब थे थे चित्र थे। चित्र चित्र बेच रहे मैंने देखा बड़ा वाला चित्र था एक बड़े मूछों मूछों में और एक फ्रेम किया हुआ शानदार चित्र मुझे लगा यार क्या तेजस्वी चेहरा है इस चित्र को मुझे खरीदना चाहिए मैं अपने ड्रॉइंग रूम में लगाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भाई किस आदमी का चित्र लगाया लोग सवाल पूछेंगे तो मैंने चित्र वाले को कहा भाई जरा बताइए कितने का है बोले साहब हजार रुपये लगेगा अरे मैंने कहा नहीं थोड़ा सा कम कर दो हमारी आदत होती है हम बार्गेन करते हैं मैं बार्गेन करने लगा कम कर दो नहीं साहब हजार नहीं तो इतना तो लगेंगे अरे मैंने कहा हज़ार नहीं आठ सौ बोले नहीं मैंने जेब बेब टटोली मैंने कहा भैया मेरे पास तो सात सौ रुपये है सात सौ रुपये में चित्र दे दो तो बोले नहीं भैया मैं तो आठ सौ में ही दूंगा खैर चित्र नहीं खरीदा मैं घर पर लौट गया दो दिन बाद ही मैं अपने मित्र के घर गया और ड्राॅइंग रूम में जब हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे वही चित्र दीवार पर लगा हुआ तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा चित्र है बड़ा तेजस्वी चेहरा है ये कौन है बोले ये मेरे स्वर्गीय दादाजी हैं मैंने कहा भैया सौ रुपए कम पड़ गए वरना आज मेरे दादाजी होते जिंदगी में खूब कीजिए अच्छा। लेकिन इतना खूब मत कीजिए लोगों को कहना पड़े बहुत तो भाई बहुत तो खूब बहुत खूब वो लोग जो हमारे साथ हैं बहुत खूब उनकी कविताएं बहुत खूब उनकी शायरी बहुत खूब उनका अंदाज और बहुत खूब उनके शब्द तो आइए मिलते हैं उन तमाम दोस्तों से जो आज हमारे इस महफिल को रोशन करेंगे अपनी कविताओं से तो आइए मुलाकात करते हैं मुलाकात करते हैं सबसे पहले इस खूबसूरत चेहरे से आ, जो नहायत ही खूबसूरत है लेकिन इनका चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ लिखते हैं लेकिन कमलेश शर्मा उन लोगों में से हैं जो सौम्य चेहरा लिए घूमते हैं लेकिन कलम बड़ी तेजस्वी है, है कमलेश शर्मा इनका नाम कमलेश शर्मा के बाद एक ही, आ, मैं इसे किशोर ही कहूंगा क्योंकि किशोरावस्था में है अभी तो छात्र है आ, पार्थ नवीन एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे बिल्कुल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे सीमावर्ती जिला है प्रतापगढ़ उस प्रतापगढ़ में पार्थ नवीन रहते हैं पार्थ के बारे में एक परिचय ये भी आवश्यक है जो पार्थ के पिता प्रहलाद नवीन हिंदी कवि सम्मेलनों में एक बड़े अच्छे व्यंगकार के रूप में थे कहना पड़ता है बड़े खेत के साथ लेकिन प्रहलाद नवीन के जीवन की शायद सबसे बड़ी शायद किसी भी कवि के जीवन की सबसे बड़ी ये तमन्ना हो सकती है कि वो अंत समय तक कविता पढ़े और प्रहलाद नवीन वो कवि थे जो राजस्थान का ही एक जिला है बांसवाड़ा उसमें मंच पे कविता पढ़ के जैसे ही बैठे और उन्होंने माँ सरस्वती की उस पीठ पे प्राण त्याग दिए थे उस प्रहलाद नवीन की थाती को आगे लेके बढ़ते हैं पार्थ नवीन पार्थ नवीन प्रतापगढ़ से हमारे बीच में हम स्वागत करना चाहते हैं पार्थ के बाद ये जो चेहरा आपको नजर आ रहा है जो काफी घबराया घबराया सा है और घबराया इसलिए इन्होंने जीवन भर पत्नी के खिलाफ कविताएं लिखी और जो व्यक्ति पत्नी के खिलाफ कविता लिखता है उसके चेहरे मुस्कुराहट आसानी से नहीं आती ठीक बात है वेद प्रकाश जी <laughs> देखिए अभी तक मुस्कुराने को तैयार नहीं है नाम है इनका वेद प्रकाश दादीज पीडब्ल्यू डी में काम करते हैं ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं और पब्लिक को हंसाने का भी काम एक पब्लिक वर्क का ही है जयपुर में रहते हैं हम स्वागत करते हैं वेद प्रकाश दादीज काइए प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं तीनों मेरी तरफ देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से कि मैं किसे बुलाऊं चलिए मैं आपको एक अलग भाषा का स्वाद चखाना चाहता हूं वेद प्रकाश दाधीज हमारे बीच में उपस्थित हैं मैं चाहता हूं भाई वेद प्रकाश आए और हमें कुछ ऐसा सुना कि हम उनके साझे सामने विराजमान देवियों देवताओं और उनकी पांडुलिपियों <laughs> मैं राजस्थानी के अंदर जी अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा जी छोटी छोटी बातों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा अच्छा। एक आदमी महंगाई से दुखी होकर आपकी घरहाड़ी ने बोलो अच्छा सुन रही है के <laughs> मैं अपना पति होबा का पदसु इस्तीफा देवो हूँ। oh, oh, पति होने के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ वाह मैं अपना पति होबा का पदसु इस्तीफो हूँ। घर बोली वैकल्पिक व्यवस्था हो तक पद पर अच्छे वैकल्पिक व्यवस्था भाई, भाई वाह क्या बात है वाह एक और छोटी सी बात जी एक दिन मैं अपनी घरहड़ी ने बड़ा ही लाड में आकर बोलियो आ, आ लाड में आकर होय मेरी सरकार हाय आए हाय है, आए है। आए है। मेरी सरकार तो बात बिदक कर बोली के बात करियो है यार मैं अच्छी तरह जानू हूं थे मैंने सरकार क्यों बता रहा हो क्योंकि पांच साल होता ही मैंने बदल बोचा बोचारे हो क्या बात है रेख के करी है महाभारत में ही धर्मराज युधिष्ठर जशो राजा ही जुआ खेलिया करते थे हाँ युधिष्टर भी जुआ खेलता था क्या बात है सही बात है जैसो राजा ही जुआ खेलिया करतो थो, और एक तू है सो मने मना कर है आ, सही बात है लुगाई बोली तेरी बात में सेंट परसेंट सांच है लेकिन ई बात को ध्यान रखिए महाभारत की द्रौपदी का भी कसम पांच है एक और छोटी सी बात एक फैमिली प्लानिंग को मिनिस्टर अच्छा मिनिस्टर सीधा मंत्री बोलियो कवि जी बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण के ताई, कोई सस्तो सुंदर और नयोई ढंग बताओ अच्छा बढ़ती जनसंख्या के लिए सस्ता सुंदर नया ढंग हाँ सस्तो सुंदर और नयोई ढंग बताओ मैं बोलियो मंत्री जी सबसे पहले तो थे अपनी घरहाली से राखी बंधवाऊ एक और जाते जाते सुना दीजिए एक और छोटी सी बात जी कि एक छोरा को बाप बोलियो हाँ। कि मेरो छोरो हीरो है हीरो अच्छा हीरो अंगूठी ध्यान में राग जो कविता अपना आप समझ में आ जाएंगी डायमंड जो अंगूठी में लगता है क्या बात है कि मेरो छोरो हीरो है हीरो कहता ही, कोई सुंदर पढ़ी लिखी लड़की बताओ आ, और दहेज में कलर टीवी बीसीआर कार और कम से कम पच्चीस तीस लाख रुपया नगद दिलाओ मैं बोलूं है तने एक हीरा का इतना दाम देगा अरे इतना मैं तो जी खान से हीरो निकले हो है बा खान खरीद लेंगा बा खान खरीद लेंगा बा खान मार बढ़िया वेद प्रकाश दादी जी आपने बहुत बढ़िया सुना शादियों में ऐसा होता है हमारे एक मित्र कवि थे श्याम जालामुखी वो एक बढ़िया बात करते थे वो कहा करते थे कि एक शादी के अंदर जब शादी करने बैठे और पास में जो पत्नी होती है रिसेप्शन में वो भी बैठी तो एक दोस्त आया और कान में कहने लगा भैया किससे शादी कर ली यार ये तो सारे चेहरे पे चेचक के दाग है इतनी काली है लंगड़ाती भी है ये किससे शादी कर ली मैं दोस्त से बोला ज़ोर से बोल सुनती भी कम है <laughs> <laughs> सारे ही गुण एक जगह मिल जाए तब हमें कहना पड़ता है बहुत खूब भाई आप इंतजार कीजिए कि आपकी जिससे शादी अगर हो गई है तो उसमें कितने गुण हैं या होने वाली है तो कितने गुण हैं गुण की गिनती कीजिए मैं यूं गया और यूं आया फिर हम सुनते हैं ढेर सारी कविताएं है बहुत खूब लौट हैं फिर से आपको उस की यात्रा में, में इससे ज्यादा और क्या चाहिए अगर आदमी को हंसने को मिल जाए उससे बेहतर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो आपकी हंसी की मात्रा को कुछ और बढ़ाते हैं हम आपको सुनवाते हैं एक प्रती गीत यानी कि पैरोडी पैरोडी वो विधा है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्मी गीतों पर अपने शब्द रख के आप व्यंग की धार को बढ़ा दें उसे पेरोडी कहते हैं हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई नई प्रतिभा इस मंच पे आती है और जब पहली बार कोई आता है तो मैं जानता हूं आप भी बड़े खुश होते हैं तो जो जोरदार ताली हम बजाएंगे पास नवीन के लिए आप सभी को नमस्कार आप सभी को प्रणाम पेरोडी के लिए मुझे आदेश हुआ है और देश में जो घोटाले हुए हैं सीधे उन पर अपने वार करता हूं कि कमीने हैं कमीनों को ना तन चाहिए नमन चाहिए कहीं से गबन हो बोधन चाहिए तीनों को तन चाहिए न मन चाहिए कहीं से गबन है, है तमंचों की दुनिया और बम का बम का तमंचों की दुनिया और बम का जहां। और बम का जहां भगत सिंह और आजाद तुम हो कहा तुम हो बार। कहां। बार। तो रिश्वत ही सब का करम जो हुआ बात है। तो रिश्वत ही सब, सब का, का करम जो हुआ पर कुत्तों को घी कब हजम है हुआ जम है हुआ दीवां। वो एकता के सूत्र में वतन चाहिए वतन चाहिए कहीं से गबन हो वो धन चाहिए धन चाहिए अच्छा इमिटे दर्द तो हुए इंतजाम कैसे कैसे क्या बात है मुन्नी हो गई बदनाम ऐसे कैसे हा हाँ। कि आयो लगाने वाले काम तमाम हो जाएगा आयोडेक्स हाँ। लगाने वाले काम, काम तमाम हो जाएगा झंडू बाम लगाने वाले तू बदनाम लगाने, लगाने वाले तू बदनाम हो जाएगा अच्छा महंगाई के समय में बीमारी तो सिर्फ कब्जी है सौ रुपए किलो मिलती आज कल तो सब्जी है और की चाय पीते हैं हंस के फिर भी जीते हैं हंस के जो जिए बरस न जाने कैसे बीते हैं क्या बात तू मीठी चाय पिला कब साथ ना कुछ भी जाएगा चीनी से ही हार गया तू चीन से क्या लड़ पाया लगाने वाले तू बदनाम हो जाएगा बल्ला वो वीरू वाला पाक को क्या धो डाला बल्ला वो वीरू वाला पाक को क्या धो डाला बल्ले से निकले चौके पांच भारत पे आई नहीं आज बल्ला वो वीरू वाला पाक को क्या धो डाला बल्ले से निकले चौके पांच भारत पे आई नहीं आज लंका पे डंका मारा रो बैठा संग कारा अंतिम छक्के पर उठे ना भारत पे आई नहीं आज बंगला से करके बोनी हालत कर दी थी रोनी रांची वाला वो धोनी अनहोनी कर दी होनी पल था वो खूब ही प्यारा अश्रु की बहती धारा पल था वो खूब ही प्यारा अश्रु की बहती धारा हमने जोड़े बिखरे कांच आवाज है भारत पे आई नहीं आज पल्ला होगी बहुत बढ़िया वाह 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 क्या बात है भाई बहुत अच्छे बाँ बाँ ये तालियां नवीन नवीन के लिए और नवीन से कविता की के लिए लिए और से ज्यादा कविता कविता की परंपरा अगर कोई युवा कविता लिखता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है इसलिए खुशी होती है कि मैं लगभग जब सात वर्ष का था तब मंचों पर आया था तो ये जब पीढ़ी आगे बढ़ती है तो इससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे नहीं होती और जब वीरू के बल्ले की बात कर रहे थे एक टर्म होती है अंग्रेजी में पीजे वो ऐसे जोक होते हैं जैसे सुनाने वाले का सर फोड़ने का मन करता है और चूंकि मैं टेलीविजन के इस तरफ इसलिए आप मेरा सर नहीं इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो पीजे मेरे एक दोस्त ने सुनाया कि संगकारा कोलंबो के अंदर एक जो अपनी प्लेट होती है चीनी की उसमें चाय पी रहे थे तो किसी ने जाके कहा कि भाई कब कहाँ है बोले वो तो तुम्हारा और मेरा बाप धोनी लेके चला गया <laughs> <laughs> मैं पीछे आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं जाऊंगा और लौट के आऊंगा आप कहेंगे बहुत अव्यवस्था कमलेश कमलेश, के, के खिलाफ आग उगल देते अग्नि का एक रूप इस तरह से भी कहा जा सकता है उनकी कविताओं में व्यंग है उनकी कविताओं में ओझ है उनकी कविताओं में देश की अव्यवस्था के खिलाफ एक अपना आक्रोश है लेकिन कहने का अपना एक निहात अनूठा ढंग है और मैं चाहता हूं कि वो ढंग कमलेश शर्मा खुद यहाँ आके सुना है हम जोर दिनों एक अनशन बहुत प्रसिद्ध हुआ है जी उसे प्रारंभ करता हूँ जी सोए भारत में नवीन ऊर्जा भर देता है सोए भारत में नवीन ऊर्जा भर देता है भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध को भी स्वर देता है क्या बात है? भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध को भी स्वर देता है अन्ना जैसा एक मर्द यदि अपनी पर आए अन्ना जैसा एक मर्द यदि अपनी पर आए दिल्ली तक को भी घुटनों के बल कर वाँ। देता। वाँ। दागा। दागा। भी के बल कर देता है और एक गीत विशेष जी, जी 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 से पिछले तिरसठ साल की आजादी का इतिहास आप देखें उसकी एक समीक्षा की पंक्ति में करना चाहता हूँ ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं बन विरोधी भी, भी मुंह खोल सकते नहीं फैल फिर से है शो का कोहरा रहा जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा क्या बात है पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी के जहे तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज तो हैं यानी फिर से गुलामी के घन छा गए हम जहाँ से चले थे वहीं वही है बोल सकते नहीं और वो पीढ़ी आज भी बैठी है जिसने पहली आजादी की वर्षगांठ मनाई होगी उन सपनों को उन कल्पनाओं को याद करने में पहला बंद पड़ता हाँ कमलेश सोच कर खुश हुए हम सबेरा हुआ सोच कर खुश हुए हम सबेरा हुआ किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ बहुत अच्छे। रोशनी झोंपड़ी से बड़ी दूर है रोशनी झोपड़ी झोंपड़ी से बड़ी दूर है वह अंधेरों में जीने को मजबूर है जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं जिनके हाथों में जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं सूर्य के कत्ल के वे गुण गार है हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए जहा से चले थे वही आ गए अच्छा। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे दो सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे देश जिनके हवाले थे वे कर गए उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए भाँवागे। चले आ ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं अंतिम रखता हूँ जिस समय हम चले मंजिलें दूर थी जिस समय हम चले मंजिलें दूर थी किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर था बाँ 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 भाँ भाँ भरोसा हमें लक्ष्य संधान का गूंजता था जहा विजय गान का किंतु कुछ पग चले रुक गया क्या बात है? शीश कल था तना आज है झुक गया दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गया जहा से चले गए जहा से चले थे वही आ गए बहुत बढ़िया हम जहां से चले थे वही आ गए हम चले थे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से और हम वहीं आ गए कि हमें जाना पड़ेगा लेकिन कमलेश आपने सचमुच देश की व्यवस्थाओं के लिए अपना स्वर कहा और आपने सब कुछ कह दिया ये कहा कि हम स्वर नहीं खोल सकते बोल नहीं सकते लेकिन आपने सब कुछ कह दिया जाते जाते आपकी इस पूरी कविता पे मुझे एक प्रसिद्ध कवि का सिर्फ एक दोहा याद आता है कि हम जहां से चले थे वहीं आ गए और किसी को इस देश की शायद चिंता नहीं है तब वो कहते हैं कि डॉक्टर को रोगी मिले मिले वकील को केस डॉक्टर को वा, रोगी मिले मिले वकील को केस और टीचर को ट्यूशन मिले भाड़ में जाए दे। इस वा, देश वा, की, वा, की किसी को चिंता नहीं है आइए मिलकर इस देश की चिंता करें ताकि कि किसी कमलेश शर्मा को यह ना कहना पड़े के पहले गोरे थे और अब काले अंग्रेज हैं किसी कमलेश शर्मा को ये न कहना पड़े कि हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए आइए एक नया सवेरा करें एक नया प्रभात करें एक रश्मि रथ वो हो जो देश के लिए देश के विकास के लिए दौड़े और हमें ये कविताएं फिर से न लिखनी पड़े हम इस वतन के लिए कह सकें बहुत